आईआईटी मद्रास के हॉस्टल में खुदकुशी करने वाली 19 साल की छात्रा फातिमा लतीफ के लिए इंसाफ की मांग दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की। नौ नवंबर को आईआईटी मद्रास के सरयू हॉस्टल में खुदकुशी करने वाली छात्रा फातिमा लतीफ को इंसाफ दिलाने की मांग देश भर में तेज हो गई है। देश के कई शिक्षण संस्थानों में फातिमा को न्याय दिलाने की मांग करते हुए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को छात्र संगठन आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली में मानव संसाधन मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से आईआईटी और अन्य बड़े शिक्षण संस्थानों में हो रहे उत्पीड़न पर सवाल खड़े किए। यूनिवर्सिटीज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, इवन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो आईआईटीज है उसके अंदर एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन डिप्राइव सेक्शन के स्टूडेंट्स फेस करते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन के स्टूडेंट, दलित स्टूडेंट फेस करते हैं। और इसी के लिए हम आए हैं कि आप रोहित एक्ट, जिसकी डिमांड रोहित पिमुला के इंस्टीट्यूशन मर्डर से चल रही है, रोहित एक्ट को बहाल करिए, जो इस चीज को देखे कि कोई स्टूडेंट जो जिसको इतना बड़ा कदम लेने के लिए कौन लोगों की वजह से उसको इतना बड़ा कदम लेना पड़ता है, आप उनको पनिश करिए। इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को आप लाइए और जल्द से जल्द रोहित एक्ट को बहाल करिए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर फातिमा के मोबाइल से मिले सुसाइड नोट में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर सुदर्शन पद्मनाभन और मिलिंद ब्रह्मे के नामों का जिक्र है, तो उन पर कार्रवाई हो। आज ऐसा का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पे फातिमा लतीफ के न्याय की मांग करते हुए उसको जो सुसाइड करने में मजबूर किया गया है उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी MHRD से मांग करने हम लोग आए हैं। और साफ तौर पे फातिमा ने अपने पत्र में लिखा किस तरीके से उसको अपने धर्म के नाम पे, उसके जाति के नाम पे, उसका आइडेंटिटी को लेके उसके ऊपर हमला किया गया, उसके ऊपर टॉन्ट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और लगातार हम लोग देख रहे हैं पूरे कैंपसेस में जब से मोदी सरकार आई है जातिवाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ब्राह्मणवाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है।